मेले में आए हुए सभी लोगों से निवेदन है कि पॉलीथीन, थर्माकोल, प्लास्टिक के गिलास इन सब का प्रयोग ना करें। गोंडा के बाबा बटौरा मंदिर पर लगे मेले में आज हमने लोगों से सिंगल यूज प्लास्टिक जैसे पॉलीथीन, थर्माकोल, प्लास्टिक के गिलास आदि का इस्तेमाल बंद करने की अपील किया। हमने दुकानदारों से भी कहा कि वो इन चीजों को अपनी दुकान पर ना रखें। इन चीजों से हमारी धरती बर्बाद हुई जा रही है, हमारी नदियां मर रही हैं, और इन चीजों का प्रयोग ना सिर्फ गैरकानूनी है बल्कि ये एक पाप भी है। इसलिए हमने लोगों से निवेदन किया कि वे इनका उपयोग ना करें। प्लास्टिक जैसे पॉलीथीन, थर्माकोल, प्लास्टिक के गिलास ऐसी अनिष्टकारी चीजों का प्रयोग ना करें। ये अपनी धरती माँ को, अपनी नदियों को बर्बाद कर रहे हैं। बगल में आप चंदू नदी में देखिए कितना कचरा फेंका हुआ है। इसका इस्तेमाल ना सिर्फ गैर कानूनी है बल्कि ये महापाप भी है। ये अपनी माँ स्वरूप धरती को, माँ स्वरूप नदियों को बर्बाद कर रहा है, मार रहा है। तो आप सभी से निवेदन है कि पॉलीथीन, थर्माकोल, प्लास्टिक के गिलास ऐसी चीजों का प्रयोग ना करें। जितने भी दुकानदार हैं आपसे निवेदन है कि लड्डू डिब्बे में सीधे दे दें, किसी को पन्नी ना दें। सरकार ने इसको प्रतिबंधित भी किया है, 1,000 से 5,000 का जुर्माना भी है। तो आपसे निवेदन है कि ऐसे महापाप से बचें। पॉलीथीन, थर्माकोल, प्लास्टिक के गिलास ऐसे एक बार इस्तेमाल करके फेंक दिए जाने वाले प्लास्टिक को इस्तेमाल ना करें। इसका इस्तेमाल करके हम उसे आसपास जमीन में, नदियों में फेंक देते हैं या जला देते हैं। हवा, पानी, मिट्टी सब प्रदूषित होता जा रहा है। हम बीमार पड़ते जा रहे हैं। हमारी धरती में हमारी नदियां मरती जा रही है। इसका इस्तेमाल करना एक मूर्खतापूर्ण कार्य है। ये गैर कानूनी भी है, ये महापाप भी है। आप सभी लोगों से निवेदन है कि पन्नी ना ले, वही आपको दे तो मना कर दे, आप इसका बहिष्कार करें। ऐसा करके ही अपनी धरती को हम बचा पाएंगे। और यही धर्म है, पन्नी का इस्तेमाल करना एक अधार्मिक काम है। और ऐसा अधार्मिक काम करके पूजा पाठ नहीं होता है। भगवान इससे क्रोधित होते हैं, खुश नहीं होते हैं। धरती में श्राप देती है, नदियां श्राप देती है। तो अपने सर्वनाश होने से बचाए, ऐसी घटिया चीजों का प्रयोग करने से बचे। आप सभी लोगों से निवेदन है कि पन्नी का, थर्माकोल का, प्लास्टिक के गिलास का इस्तेमाल ना करें। ऐसे पावन स्थान पर आकर बिल्कुल ना करें, कहीं पर ना करें। अगर हमारे 3-4 पीढ़ियों ने इस्तेमाल किया होता तो आज चारों तरफ भारत में प्लास्टिक होता। सिर्फ पिछले 10-50 साल में इतनी गंदगी हमने फैला के रखी है। तो आपसे निवेदन है कि ऐसे पॉलीथीन, थर्माकोल, प्लास्टिक के गिलास आदि का प्रयोग ना करें। आप लोगों से समझदारी की अपेक्षा है। धरती को बर्बाद करके मूर्खता का परिचय मत दीजिएगा। आप लोगों से धर्म की भी अपेक्षा है। अपनी धरती में अपनी नदियों को आप बर्बाद नहीं करेंगे, ऐसी अपेक्षा है। और अगर आप नदियों को, धरती को परवाह नहीं करते हैं तो आप धार्मिक व्यक्ति नहीं है। फिर मंदिर पर आने का कोई फायदा नहीं है। तो आपसे फिर से निवेदन है, असली धर्म यही है कि अपनी प्रकृति को, अपनी धरती को, अपनी नदियों को हम गंदा ना करें। हम ऐसी घटिया चीजों का प्रयोग ना करें। सिंगल यूज प्लास्टिक को हटाएं। आप सभी से निवेदन है, सारे दुकानदार कृपया सीधे डब्बे में लड्डू दे लोगों को, पन्नी ना दो और आगे से रखे भी ना। उम्मीद है आप सभी भैया अगली बार से पन्नी ना लावा जाए, लेकर ले जाए, खा ना लीन जाए, भाई दिन जाए, चारों ओर गंदगी फैलावा जाए। यह धर्म है। अपनी नदियां बर्बाद हो रही है। ये एक अधार्मिक काम है, ये एक महापाप है। आपसे निवेदन है कि ऐसी घटिया चीजों का प्रयोग ना करें। पानी पीन, थर्माकोल, प्लास्टिक के गिलास, ऐसे सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग ना करें। आप लोगों से अपेक्षा की जाती है कि आप धरती को, नदियों को कोई फल नहीं मिलने वाला, बल्कि धरती माँ आपको श्राप देगी।
तो ऐसी चीजों का प्रयोग करने से बचे। ऐसी चीजें हमारी नदियों को, हमारी धरती को, हमारी प्रकृति को तबाह कर रही है। मेले में आए अधिकतर लोग हमें पन्नी में प्रसाद आदि ले जाते हुए दिखे, तो हमने लोगों से पॉलीथीन ले ली और हमने उनसे कहा कि वो सिर्फ प्रसाद लेकर ही घर जाएं, पॉलीथीन को आज यहीं पर छोड़ दें और एक संकल्प लें कि आगे से वो कभी भी पॉलीथीन का और दूसरे सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसमें अधिकतर लोगों ने सहर्ष हमको पॉलीथीन लौटाई और उन्होंने आगे से सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करने का वादा किया, परंतु इस अभियान के दौरान बहुत सारे लोग हमसे नाराज भी दिखाई दिए। एक सज्जन ने तो यहां तक कह दिया कि धरती को बर्बाद करे या ना करे वो उनका मन है, हम उन्हें रोकने वाले कौन होते हैं। तो इस तरह के नमूने भी हमें मेले में दिखाई दिए जो धरती के ऊपर बोझ बने हुए हैं। फिर भी हमने सकारात्मक ढंग से जागरूकता कार्यक्रम जारी रखा और लोगों को हमने ये संदेश दिया कि आगे से हम पूरे मंदिर को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त रखना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों ने हमें इसके लिए धन्यवाद भी दिया। पॉलीथीन की तलाश में हमारी पैनी नजरों से कुछ लोग बचकर भाग जाना चाहते थे, लेकिन हमारी पैनी नजरों ने पॉलीथीन को उनके झोले के अंदर से भी ढूंढ निकाला और उनका पॉलीथीन ले लिया और उनसे आगे से पॉलीथीन का इस्तेमाल ना करने का निवेदन किया। इस कार्यक्रम के बाद हमको पता चला कि मेले में ये बात बहुत तेजी से फैली और आसपास के गांव वालों में भी ये बात बहुत तेजी से फैल गई कि मेले में कुछ लोग पॉलीथीन को ले रहे हैं और उसका इस्तेमाल ना करने का शपथ दिला रहे हैं। बहुत सारे लोग इससे डरे हुए भी दिखाई दिए, लेकिन ये डर शायद बहुत अच्छा है जिससे हमारी धरती बच सकती है। मेले में आए सभी लोग बहाना बनाते हुए ही दिखे। कुछ लोगों ने कहा कि हमें मत कहिए, दुकानदारों को पन्नी ना रखने के लिए कहिए, अगर वो नहीं देंगे तो हम नहीं लेंगे। कुछ लोगों ने सरकार को पन्नी बंद करने के लिए कहा, उन्होंने कहा कि सरकार पन्नी बंद कर दे तो हम भी कर देंगे। तो हमने उनसे कहा कि सरकार कुएं में कूदेगी तो क्या आप भी कूद जाएंगे, दुकान वाले कुएं में कूदेंगे तो आप भी कूद जाएंगे। हालांकि हमने उन्हें समझाया कि हम सभी से आग्रह कर रहे हैं, लेकिन आप भी तो समझदार बनिए, अगर आप खुद समझदार नहीं बनते हैं तो दूसरों से समझदारी की उम्मीद कैसे करते हैं। कुछ लोग समझे, कुछ लोग फिर भी दूसरों को दोषारोपण करते हुए जाते दिखाई दिए। फिर भी हम आशावादी बनकर ये अपेक्षा करते हैं कि लोग सोचेंगे और समझेंगे, लोग बुद्धिमानी का परिचय देंगे, लोग अपनी गलती को दूसरे के ऊपर नहीं थोपेंगे। पूरे मेले में हमने यही बातें लोगों को समझाई। अब हमारा लक्ष्य है कि हम इस पूरे मेला क्षेत्र को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करें। जब तक ये प्लास्टिक मुक्त नहीं होता, हम हर मंगलवार को यहाँ पर इसी तरह का अभियान चलाते रहेंगे। तो कृपया सिंगल यूज प्लास्टिक को हटाएं और अपनी धरती को अपने आप से ही बचाएं। धन्यवाद।